हमारे लिए आज की तलावत रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब उसकी 36वीं से 41वीं आयत तक। बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने सलीब दी खुदावन भी ठहराया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिल छिद गए और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ए मर्दो भाइयों हम क्या करें। तब पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो रूल कुछ इनाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा तुमसे और तुम्हारे बच्चों से भी है और उन सब से भी जो दूर के हैं और जिन्हें खुदावन हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने बहुत सी और बातों की गवाही दी और उन्हें नसीहत की कि अपने आप को इस कजरफ्तार कौम से बचाओ। बस जिन्होंने उसकी बात कबूल की उन्होंने बपतिस्मा पाया और उसी रोज़ करीबन 3,000 आदमी उनमें मिल गए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।